सीक्रेट अमरीश सर, आज मैं आपको इस हाइड्रोलिक सर्विस सिलेंडर के बारे में बताऊंगा। इससे कैसे ऑपरेशन करते हैं, जॉब को कैसे होल्ड करते हैं, व्हील को कैसे प्रेस करते हैं, और जो इससे कटिंग होती है, चिप्स जो निकलते हैं, पॉलिंग चिप्स कहाँ जाते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले हम मशीन से आप लोगों का इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा बेस है, इसको हम बेस बोलते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन को सेडल बोलते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है, इसे लोअर टेबल बोलते हैं, और ये जो है हमारा अपर टेबल बोलते हैं। और ये सामने आपको ये जो दिख रहा है, इससे हम इसको आगे पीछे करके हम टेबल का मूवमेंट को घटाते और बढ़ाते हैं। देखिए जो हमारा ये है, इसमें हम दिखा रहे हैं, ये वाला सिस्टम सारा दिख रहा है, टेबल डाउन अप मोटर कूलेंट वगैरह। इससे मशीन को कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। टेबल रोटेट, फास्ट स्लो, नॉर्मल मैनुअल, इससे भी हम मशीन को कंट्रोल करते हैं। और देखिए ये जो हमारा टेबल के ऊपर, अपर टेबल के ऊपर जो ए पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा हुआ मैग्नेटिक टेबल। इसमें इसका काम ये होता है, कोई भी टीच को हम इस पर रखते हैं, इसमें मान लीजिए कोई भी टीच रखते हैं, हमने पीस रख दिया और यहाँ से मैग्नेट हमने ऑन कर दिया, तो ये टीच को ऑटोमेटिक ये क्लैंप कर लेता है, अपने अंदर जकड़ के पकड़ लेता है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे व्हील, ये जो व्हील, ये व्हील आप लोग जो देख रहे हैं, इसी से इस पर कटिंग होता है। आगे वीडियो में आपको इसे कटिंग करके दिखाएंगे। और इससे ये होता है, जो प्लेट है इसका थिकनेस को कम करते हैं। देखिए ये हमारा एक यहाँ पे व्हील लगा है, इससे हमें क्या करते हैं, जो ए वाला हमारा टेबल है, इससे हम वाई माइनस, देखिए वाई माइनस आता है एंड वाई प्लस, इससे हमारा दोनों डायरेक्शन में रोटेशन होता है। देखिए हमारा टेबल वाई माइनस चला गया, इनसे वाई प्लस में आ रहे हैं, इससे ये करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा ओके उसके बाद देखिए ये जो हमारा एक व्हील यहाँ पर दिखा है, जिससे हम मैनुअली टेबल को जॉब को सेट करने के लिए अब एक्स माइनस और एक्स प्लस में ले जा सकते हैं। इससे देखिए हमारा टेबल चला गया, इसको इधर भी ले जाते हैं। और दोस्तों इसमें ध्यान देने की सबसे ज़रूरी बात यह है, जैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, मोटर स्टार्ट करते हैं, इसको हम नीचे गिरा देते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ फोर्स कर देते हैं। और उसके बाद आता है ये दोनों पोर्शन, ये दोनों पोर्शन हमारा क्या कराता है, इसको हमने जैसे मान लीजिए इधर किया, इधर किया, ये गैप जितना रहेगा वही हमारा टेबल उतना ही दूर रोटेट करेगा, जितना ये गैप रहेगा, जिससे ये हमारा सेटिंग कर, जैसे ये हमारा आया यहाँ पे टच हुआ, तो यहाँ से हमारा फिर से टेबल उधर घूम जाएगा, ये गया इस पर टच किया तो फिर से हमारा टेबल अप आने लगेगा, अप डाउन इसी से होता रहता है। देखिए एक यहाँ पे व्हील दिख रहा है, ए वाला व्हील, इससे हमारा क्या होता है, जो यहाँ पे ग्राइंडर व्हील है, यह जेड प्लस में नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ, देखिए हम इसको आप ऊपर को दिखाते हैं, इससे हमारा जो होता है अप और डाउन, देखिए हमारा व्हील ऊपर जा रहा है और फिर से इससे नीचे ले जाते हैं, नीचे भी हमारा व्हील आ रहा है, हमारा नीचे आ गया, नीचे आ गया। देखिए ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है, एक यहाँ पे सर्वो मोटर लगा हुआ है, जिसके थ्रू यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक पाइप लगा है, इस पाइप से यहाँ से हम कूलेंट ऑन कर देते हैं, जो सीधे हमारे व्हील से अटैच, सीधे देखिए यहाँ से जाके हमारा कूलेंट गिरता है, यहाँ से कूलेंट गिरता है, जबकि हमारे जॉब पे फिनिशिंग देता है पोर्शन, जो सर्वो मोटर, इसमें हमारा छोटा सा टैंक बना रहता है, जिसमें कूलेंट को हम रखते हैं, फिर से दोबारा हमारा कूलेंट जो है इसी रास्ते से हमारा कूलेंट इसी रास्ते से यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद देखिए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मोटर, एक हाइड्रोलिक मोटर इसमें लगा है, जो इस कॉलम के थ्रू ये जो व्हील हमारा लगा है यहाँ पे, इस वो व्हील को रोटेट करता है, इसी मोटर के थ्रू ये व्हील हमारा रोटेट करता है। अभी हम आपको रोटेट करके दिखाते हैं। देखिए इस व्हील को रोटेट करने के लिए जो हम बताएंगे कॉलम में, उसे यहाँ से हमने मोटर को ऑन कर दिया, उसे हमारा व्हील रोटेट करता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिक, तो हम इसका
हमारा व्हील को टचिंग हो रहा है और ऑपरेशन जो हमारा हो रहा है देख लीजिए वहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम टेबल पे थोड़ा पार्ट करते हैं, इस पीस को हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये राहुल बोले, देखिए हमारा जो पीस है सरफेस होता जा रहा है और इसमें चीज़ का दिखाई कि हम आपको कूल एंड डाउन करेंगे। ताकि हमारा उससे फिनिशिंग अच्छा है। इसी टाइप का देखा जाए हमारा वर्क कंप्लीट होने के कगार से आ गया है। इसको हम देखते हैं हमारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, अगर हम आपको दिखाते हैं पीस हमारा कितना हो चुका है, कैसे हमने इसको ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है। ये हमने टेबल को रोक दिया, व्हील को ऊपर ले लिया और ये उसके बाद हमने प्लेन को ऑफ किया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मैग्नेट को ऑफ करते हैं, जो हमारे इसको क्लैंप नीचे से किया वो छोड़ देता है। उसके बाद हम पीस को उठा लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा पीस हो चुका है, पूरी क्लैंप हो चुका है, पूरी सरफेस हो चुका है। ये हुआ पहले तो हमारा आप लोगों को दिखाऊंगा ऐसा था, उसके बाद हमने इसको प्लेन किया, सरफेस किया, इस टाइप का हो गया। इसकी जैसे हमने इसको बनाया हूँ, इसको प्लेन किया, सरफेस किया, उसी टाइप का इसको कर लेते हैं। इसके जो जब भी हमने इस मशीन के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, जो हमें नॉलेज थी उसके बारे में हमने बताया, और आगे की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके और अच्छे तरह से आप लोगों को समझा सकें। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आने वाले समय में हमारे टूलरूम के जितनी भी मशीनें हैं सारे के वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। बट आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।